गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नहीं साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन के ऊपर निकालिए। निकालिए साझेदारी फर्म अधिनियम 1932 का धारा 39 कहता है। साझेदारी अधिनियम के बुक में लिखा होगा, साझेदारी अधिनियम 1932 का धारा 39 मिला के अनुसार कहता है कि सभी साझेदारों के बीच फर्म का टूटना ही साझेदारी का विघटन कहलाता है। सभी साझेदारों के फर्म का टूटना ही। अब आपके मन में यह एक बात आएगा कि सर आप जो बताए थे रिकंस्ट्रक्शन, साझेदारी का पुनर्गठन और विघटन में क्या अंतर है? याद आया पीछे चैप्टर था ना रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन में यानी विघटन में क्या होता था कि एक साझेदार को, साझेदार जो होता था वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करता था किसके लिए? दूसरे साझेदार के फेवर नहीं, या कोई नया पार्टनर फर्म में आता था तो उसमें क्या होता था, फर्म का विघटन होता था। यहाँ पर नया फर्म में विघटन नहीं हो रहा बल्कि फर्म ही समाप्त हो रहा है। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, इसका मतलब सर साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में जरूर अंतर होगा क्या? प्लीज बोलिए। साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन जरूर अंतर होगा, तब ना हम लोग रिकंस्ट्रक्शन डिजोल्यूशन समझते हैं। देखिए साझेदारी का अगर विघटन हो जाता है माने रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर कोई नया साझेदार फर्म को चला सकता है नहीं, मगर जब फर्म का विघटन होता है व्यवसाय ही खत्म हो जाता है तो फिर नया फर्म नहीं है, दूसरा बनेगा, नया फर्म बनेगा वो फर्म खत्म हो जाएगा यानी बिजनेस ही खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर से जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा CBSE बोर्ड में और बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन वहाँ भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है? साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? साझेदारी फर्म का विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है? लिख लिए। इस क्वेश्चन में आता है कहता है फर्म विघटन में अगर पार्टनरशिप के समापन से ऐसे साझेदारों के मध्य वर्तमान साझेदार के संबंध में परिवर्तन से है और फर्म के समापन का आशय साझेदारी फर्म के बीच आपसी संबंधों के पूर्ण समाप्ति से है। साझेदारी फर्म की समाप्ति में क्या होगा? बिजनेस ही खत्म हो जाता है। तब बिजनेस खत्म हो जाता है तो वैसी दशा में साझेदारी भी साझेदार के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे मैं टीचर हूँ कब तक? जब तक मेरे पास स्टूडेंट नहीं, सारा विद्यार्थी भाग जाए कि अनवर सर सब नहीं पढ़ना, कोचिंग रहेगा नहीं, मास्टर कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा और विद्यार्थी अड़ जाए कि हम पढ़ भी नहीं करें तो गड़बड़ा जाए, स्कूल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा होता है कि देखिए किन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है नहीं, क्वेश्चन है इन विच कंडीशन पार्टनरशिप फर्म इज डिजोल्यूशन। इसका आंसर है, लिखना नहीं है घर पे देख लीजिएगा, टिकआउट कर लीजिए आप लोग। पहला है किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर, कोई साझेदार रिटायर कर जाता है तो साझेदारी फर्म समाप्त हो जाता है, मगर यहाँ पर थोड़ा कंडीशन है। देखिएगा कल एक क्वेश्चन बताए थे शिवम, देखो कल एक क्वेश्चन बताए थे ना 2 पार्टनर वाली, अब बताया था ना कि 2 पार्टनर में यदि 1 पार्टनर मर जाता है तो दूसरे पार्टनर के हिस्सा से उसको सस्पेंस में भी तुम हिस्सा दिए थे, राव एंड मजुमदार वाला क्वेश्चन याद आया? तो वहाँ पर हम क्या जवाब दिए थे कि पार्टनरशिप 1932 कहता है कि साझेदारी होने के लिए कम से कम कितने बंदा चाहिए? तो सर 2 आदमी चाहिए। अब राव और मजुमदार 2 ही पार्टनर थे और 1 मर गए तो क्या वो पार्टनरशिप रहा? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द सोल ट्रेड, वो एकाकी व्यवसाय हो गया। क्या यही ना होगा अंशु? क्या हो गया? वो एकाकी व्यवसाय हो गया। तो ऐसे करने से फर्म क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। परंतु जहाँ 1 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स होते हैं तो वैसे कंडीशन में फर्म का रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है, डिजोल्यूशन नहीं होता, मरने वाले का भुगतान कर दिया जाता है। जो आप रिटायरमेंट और डेथ में पड़े होइएगा, शेयर इन डिजोल्यूशन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वो याद है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा तो कहते थे कि इसको इनकम में से देते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट से उसका शेयर देते हैं, कहाँ से देते हैं याद है आपको, डिजोल्यूशन पढ़ाए थे रिटायरमेंट। देखिएगा तो पहला कंडीशन क्या हो गया, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी साझेदार का इंसॉल्वेंट हो जाने के बाद फर्म जो है बंद हो जाता है, और
कोई साझेदार असमर्थ हो जाता है, मतलब काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। काम करने की स्थिति में दो कंडीशन होता है, एक होता है कि शारीरिक विकलांगता उसमें खुद आ जाती है, जैसे किसी को लकवा मार गया, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, तो पैरालिसिस मार गया तो काम करने की स्थिति में रहेगा नहीं ना, तो अपना शेयर उसका एक्सक्यूटर मतलब कोई आदमी लेगा, और मर गया तो उसे एक्सक्यूटर लेगा, उसका भाई बंधु बेटा कोई चला गया फॉर्म को, तो ये सब कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होगा, डिजोल्यूशन हो जाता है। क्लियर? एक बात ध्यान से सुनिएगा जो हम बता रहे हैं बार बार, कि जब दो बंदा होता है ना उसमें एक मर जाता है तो फर्म खत्म हो जाता है, और तीन चार आदमी है कोई आदमी फर्म से रिटायर कर सकता है, अवकाश कर सकता है, रिकंस्ट्रक्शन होगा, डिजोल्यूशन नहीं होगा। मगर क्वेश्चन में कहेगा कि किसी साझेदार के मर जाने पर, रिटायर हो जाने पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो वहाँ पर सेल्स है कि पार्टनर की संख्या दो हो। समझ गए? अब डिजोल्यूशन में दो प्रकार के लोन होंगे, लोन समझते हैं ना, कर्जा लोन कितने प्रकार का, दो प्रकार के लोन होगा, एक पार्टनर का लोन होगा, फर्म का लोन होगा। फर्म का लोन होगा तो सबकी जिम्मेवारी, सब भरपाई करेगा, और पार्टनर के लोन में क्या होगा, वही भरपाई करेगा जिसने लोन लिया है। समझ में आया? पर्सनल लोन, परिवार का लोन, फैमिली का कर्जा, फैमिली का सब मेंबर से रहता है ना, और पर्सनल लोन है अपने से कार खरीदे, आप सोचिए। तो एक क्वेश्चन है, केवल पढ़ना है, क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम से लिख लीजिए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लोन एंड फर्म लोन, निजी लोन और फर्म के लोन में क्या अंतर है, फर्म का ऋण और निजी ऋण में क्या अंतर है। लिख लिए? एकदम याद रखना है क्या डिफरेंस है, नहीं तो क्या होगा, छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अब आइए हम लोग देखते हैं ना, कंडीशन ऑफ डिजोल्यूशन कौन कौन से अकाउंट आपको खोलना चाहिए। नहीं तो साथ देखिएगा, जब कंडीशन ऑफ डिजोल्यूशन, जब कोई फॉर्म समाप्त होगा ना, क्या बिकी बहुत सीरियस लग रहे हो, ठीक है ना, सीरियस तो हम होना चाहिए, सीरियस पढ़ाते हैं, मास्टर साहब बनना चढ़ा कर कोई हल्ला नहीं करेगा, ऐसा मोहब्बत से पढ़िए। तो क्या होगा उसमें, डिजोल्यूशन कंडीशन में जब विघटन की कंडीशन होती है, हम लोग ये अकाउंट खोलते हैं। देखिए बुक में आपको मिलेगा, पहला अकाउंट खोलना, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये चैप्टर जो है ना बीकॉम पार्ट वन में ही पढ़ना है, और बीबीए करोगे ना वहाँ भी पढ़ना है। तो पहला क्या बनाना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार की पूंजी, मनीष दिखाई दे रहा है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। और तीसरा अकाउंट बनाना है बैंक अकाउंट, क्या बनाना है, बैंक। ये तीन खाता जो है हमेशा उसमें क्या होता है, सोने दिया रहता है बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में अंकित बाबू देखिएगा तो एक नया अकाउंट आपके सामने में आएगा, उसका नाम होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन क्या याद रखिएगा, इफ गिवन, अगर दिया रहेगा तब लिखिएगा, और नहीं दिया तो नहीं रहेगा, ये नेसेसरी आपको बनाना होगा, ठीक ना। तो आइए हम सिखाते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल या रियलाइजेशन अकाउंट कैसे खोलते हैं। सबसे पहले बात करें पहले अकाउंट पे, रियलाइजेशन पे, है ना। लिखिए, कॉपी निकाल लिखिए, हाउ टू ड्रो द स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, हिंदी में लिखा है वसूली खाता का नमूना बना, लिखिए वसूली खाते का नमूना बनावे, जो नहीं पढ़ता होगी तो नमूना होता है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा लक्ष्मण कैसे बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। दिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, और ये सी आर होगा, ये डी आर होगा, इधर में टू होगा, इधर में बाई होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए वसूली खाता, कौन सा खाता है तुषार, यह नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना अंशु। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या शिवानन, डेबिट और एक्सपेंसेज या लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेंस, जो भी हानि और खर्च होगा उसको कहाँ चढ़ा देना है,
डीआर साइड में, और जो इनकम कहाँ ले जाना है सीआर साइड में नहीं। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का फंडा देखने से पहले देखेंगे, आपके पास बैलेंस शीट होता है तो आपके राइट हैंड साइड में यानी कि दाहिने साइड में क्या होता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टी होते हैं, और बाएं साइड में क्या होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होते हैं। पूरा बोलिए कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होते हैं, क्लियर। तो उसको ऐसे करना मतलब एसेट्स वाला टू में और लाइबिलिटीज वाला बाय में। जब इक्वेशन पढ़े हुईगा समीकरण चैप्टर तो आपको याद होगा कि इक्वेशन में कहता है कि लाइबिलिटीज का जो है सी आर बैलेंस होता है नहीं, और एसेट्स का डी आर बैलेंस होता है। यही कारण है कि एसेट्स डेबिट में बढ़ता है और लाइबिलिटीज क्रेडिट में बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे देखिएगा, आप लिख सकते हैं ठीक है, वरना बाद में तो मिल ही जाएगा डेढ़ दो घंटे बाद, वहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो पहले में क्या लिखना है, टू में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रहेगा है ना। टू ऑल एसेट्स, एसेट्स में यहाँ लिखना है सोनी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जो किताब में लिखा हुआ है वही वैल्यू, और यहाँ पर लिखना है एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है छोड़कर, एक्सेप्ट ऑफ, एक्सेप्ट ऑफ कैश बैंक, इसको छोड़ दीजिएगा है ना, ध्यान दीजिए भी नहीं लिखिए, देख लीजिएगा उसमें मिल जाएगा, कैश बैंक को छोड़कर, एक्सेप्ट माने नहीं लिखना है। पहले वाला किताब देखिएगा उस किताब में आपको माइनस मिलेगा एक्सेप्ट ऑफ कैश बैंक डी आर प्रॉफिट एंड फिफ्टी डी एस एसेट्स यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, क्लियर। तो पहले वाले बुक में या एसेट साइड में होता था, पर नया जो स्टेटमेंट का रूल आया है जिस मेथड से आप अपने चैप्टर का कैश फ्लो पढ़ेंगे तो यह रूल हटा दिएगा, यानी अब आपको जो हानि होता है उसको शेड्यूल नंबर टू में रिजर्व एंड सरप्लस सेट में एडजस्ट कर देते हैं, अतः उस चीज़ को यहाँ हमने छोड़ दिया। ये न्यू बुक में मिलेंगे, अभी पुराने बुक में इसको यहाँ पर दो चार शब्द और मिलेगा, वह क्या मिलेगा डेबिट प्रॉफिट एंड फिफ्टी टी एस एस एक्स को छोड़कर, तो उसको सब ऐसे छुटा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कैश एंड बैंक, इसमें एक बात और याद रखना है विनोद की, कभी क्या होता है लिखा रहा कैश इन हैंड, कैश है तो सर बैंक, इसको क्या करिएगा सबको हम लोग छोड़ देंगे, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखना है ऑल एसेट्स, जो बैलेंस दाएँ जैसे प्लांट बिल्डिंग लैंड मशीनरी ट्रक वगैरह ये सब लिखा है। फिर टू में लिखेंगे टू कैश या बैंक, किसके लिए लिखेगा फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या पेड टू लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर वगैरह को पेड कीजिएगा ना उसके लिए टू बैंक या टू कैश का यूज कीजिएगा। फिर लिखेंगे टू पार्टनर्स नेम, टू पार्टनर्स नेम साहेदार का नाम लिखेंगे अंकित, ठीक है ना, साहेदार का नाम जैसे कहें आपकी अंकित ने बिल्डिंग को ले लिया तो पैसा कौन देगा अंकित, इसीलिए टू अंकित कैपिटल होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे टू पार्टनर्स नेम लिख देते हैं यहाँ पर, इफ लायबिलिटीज टेकन, लायबिलिटीज टेकन वह क्या करेगा लाइबिलिटीज लेगा तब कर्जा लेगा तब, जैसे कहा कि समापन के व्यय अंकित चुकाएंगे तो इधर आ कहा अंकित भवन ले लिया तो बाई में, बिल्डिंग ले लिया तो बाई में, तो क्या करेंगे टू में पार्टनर्स नेम लिख देंगे लाइबिलिटीज टेकन करने पर यहाँ पर डाल देंगे, बाय में क्या लिखे बाय ऑल लाइबिलिटीज सभी दायित्व को लिखेंगे, और यहाँ भी कौन लिखेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब क्या हुआ जो किताब में दिया हुआ हो वो वाली वैल्यू, ठीक है अमन दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा अच्छा एक मिनट चलिए अब दिखाई देने लगा होगा। ऑल लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है बुक वैल्यू लिखेंगे, तो लाइबिलिटीज कहाँ होता है हमारे यहाँ बाएं साइड में होता है नहीं, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे वो लोग दाएं साइड में, तो ऑल लाइबिलिटीज बुक वैल्यू लिखेगा तो किसको छोड़कर एक्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल को क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग छोड़ दीजिएगा नहीं लिखिएगा है ना, उसके बाद क्या करेंगे पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को भी यहाँ क्या करना है हमको छोड़ देना है आर्यन नहीं लिखिएगा है ना। फिर क्या करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, याद है ना इसी के बारे में बोले हैं ना अभी, किसको फिफ्टी डी एस एसेट्स को डेबिट बैलेंस प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे पार्टनर्स लोन को नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट बैलेंस को
इतना चीज को हम लोग छोड़ के लिखेंगे, बाकी चीज को लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर लिखाएगा, बीपी लिखाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखाएगा, ये सब लिखेंगे, मगर ये सब जो लोन आइटम होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। फिर बाई कैश में क्या लिखते हैं, बाई कैश या बैंक, क्यों भाई, द फॉर एसेट्स रियलाइज, संपत्ति बेच के जो पैसा आएगा उसको कहाँ लिखेगा, बाई साइड में, इधर कैश बैंक था टू में उसके लिए क्या है, पे टू लाइबिलिटीज, कर्जा चुकाया था टू में, और संपत्ति बेच के पैसा आया कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में। अब ये भी तो हो सकता है कि जैसे मोबाइल बेचना हो तो कोई क्या कहता है, अरे भाई हम ही को देना दो, नहीं हमसे पैसा ले लो। तो अगर कोई पार्टनर या भाई बंधु अंकित आपका ले लेता है लाइबिलिटीज या एसेट्स, तो देखना है तो लाइबिलिटीज को तो टू में लिखेगा, एसेट्स ले लेगा तो क्या करेंगे, बाय में, पी ए आर टी एन ई आर एस, पार्टनर्स नेम, सहदार का नाम, क्यों भाई, द इफ एसेट्स टेकन, एसेट्स टेकन, संपत्ति ले लेगा तो। अब यहाँ तक समझ में आए, मनीष ध्यान देना, अब इधर हर लेजर का क्या होता है, सी डी बी डी होता है ना, तो इस लेजर में प्रॉफिट या लॉस होगा, तो इधर घटा के हमेशा आ जाएगा, तो क्या लिखेगा, टू प्रॉफिट बी एफ, क्या लिखेगा, टू प्रॉफिट बी एफ, और इधर क्या लिखेगा, बाई लॉस बी एफ, समझ में आया, या दोनों में से कोई एक ही होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों कभी नहीं आएगा, इतना बात समझ में आया। तो चलिए हमको कसके बाद बताइए, ये जो अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, वेरी गुड, टर्मिनल अकाउंट है, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा करना है हम लोगों को कि डिजोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का 39 जो है एक्ट के अनुसार होता है, याद रखना 39 एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, डिजोल्यूशन होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में लिखे ना पार्टनर्स लोन को छोड़कर, याद रखिए इसलिए लिखे हैं कि इसका अलग से अकाउंट खुलता है। अब इस क्वेश्चन को समझ गए तो हम कुछ एंट्री बताते हैं, देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं अंशु टू कैश या बैंक फॉर एक्सपेंसेस पेड, लिखे ना, लिखे ना एक्सपेंसेस पेड, तो क्वेश्चन में रहेगा वसूली के व्यय चुकाए, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड नहीं, शिवम अभी भी बताओ, नींद मतलब आ जाओ बाहर, समापन के व्यय, बहुत जला दे रहे, लिखा जरा अब लिखा दिया, समापन के व्यय चुकाए, ठीक ना प्रिंस, समापन के व्यय किधर लिखेगा बाबू, टू में लिखेगा ना, तो इसका क्या हेडिंग डी आर में टू कैचेस टू में, इधर कैचेस डी आर में हेडिंग टू में, तो जब समापन के व्यय चुकाए खर्चा हो गया क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, नहीं फिर रहेगा कि लाइबिलिटीज या क्रेडिटर इज पेड बाई किसी का नाम, एक्स, एक्स ने क्रेडिटर को चुकाया तो क्या लिखे है, पार्टनर्स नेम, इफ लाइबिलिटीज इज टेकन तो लाइबिलिटीज इज ऑल्सो क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है ना, बताइए ना, क्रेडिटर इज ऑल्सो लाइबिलिटीज है ना, तो उसको चुकाएगा, एक्स ने चुकाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एक्स लिखेगा, समझ में आया। अब इधर तो कोई एसेट्स लिखेंगे नहीं, तो बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब बिल्डिंग को मैंने नगद बेचा है, बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, खुजा ले लिया, खुजा ले अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब समझ में आया, इस तरह से हम अकाउंट्स को ट्रांसफर करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको खुद रखो। अभी थोड़ा सा मिटाते हैं और कुछ आपको हम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। क्या हुआ आप लोग को, नोट नहीं किसके कर रहे हैं, नोट मिल जाएगा ना यहाँ से, देख लीजिएगा आप लोग, आइए यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर है एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन ये है नंबर एक, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, समापन के व्यय चुकाए, इसका हिंदी क्या होगा, समापन के व्यय चुकाए, यहाँ चुकाए का मतलब क्या हुआ, चला नगद चुकाए, तो क्या पड़ा, इफ डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, जब नगद में समापन का व्यय चुकाया जाए, इसका एंट्री क्या होगा पूजा, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू में क्या डालेंगे, बैंक या कैश अकाउंट। एक बार हम क्वेश्चन बना रहे थे, लड़का बना दिया था डिजोल्यूशन अकाउंट डी आर, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर टू कैश, इसीलिए तो रेंट पेड वाला नियम लगा दिया, रेंट अकाउंट डी आर टू कैश, ऐसा नहीं होगा है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, यहाँ से देखिएगा चुकाए। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा आर्यन कहेगा कि रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस एक्स ने चुकाया, इसे रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाई एक्स, हो सकता है ना,
एक्स ने चुकाया, क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एक्स, दैट मीन्स एक्स इज ए पार्टनर, एक्स उस फर्म का पार्टनर होगा, तो क्या मानेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एक्स मानेंगे। हेलो हाय हटाइए, हाँ समझ में आ रहा है आपको? गुड, समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो भूलिएगा कि हम बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है, ये वाले जो क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि कहेगा डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय सीता, भगवान ने को बर्बाद कर दिया तो भगवान का नाम दिया कि सीता ने दिया समापन के लिए चुका है, तो क्या एंट्री होगा बताइए? सीता, बहुत अच्छा, समझ गया आप लोग। दूसरा बात मैंने बताया था कि दूसरा क्या बोला था, याद होगा आपको कि संपत्ति बेच के पैसा आता है रियलाइजेशन के 22 है, नहीं शेयर सर को बेचिएगा तो गाल के रियलाइजेशन के 22 है। जैसे क्वेश्चन होगा आपके सामने में एक कि कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, संपत्ति बेचकर पैसा लाए, कितना लाए? मान लीजिए 10,000 लाए, 10,000 शेयर था जो बेच रहा, कितना आपको आमदनी हुआ? 10,000 रुपीज इनकम हुआ आपको, तो क्या एंट्री बनाएंगे? तो सर किधर लिखा गया ये रियलाइजेशन के बाय में, तो बाय वाला चीज दिया आर में हेडिंग टू में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? बैंक या कैश अकाउंट दिया, कुछ लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या रियलाइजेशन, समझ में आया? और यही पर रहता क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में देता हूँ, जैसे रहता बिल्डिंग इज मेरा फेवरेट नाम है, बहुत जगह देखिए हरी हम बहुत लिखते हैं, तो बिल्डिंग इज टेकन बाय हरी, हरी का नाम जपते रहिए कष्ट का है होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू हरी, गलत, हरी अकाउंट डी आर टू, हाँ हरी अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और समझ गया बन जाएगा ऐसा, तो लाइब्रेरी का पेमेंट किधर लिखेंगे? टू में, उसका पेमेंट क्या लिखेंगे? बाय में। जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यह उनके किस रेशियो में बांटेंगे? शिवम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक ना। यहाँ क्वेश्चन में ये तो रियलाइजेशन पे जाएगा, प्रॉफिट और रिजर्व फंड एंड सरप्लस बांटने का सेम एंट्री होता है, उसका एंट्री नहीं बढ़ता है। जैसे क्वेश्चन में आएगा कि जब साझेदारों के बीच प्रॉफिट बांटा जाए, देखिएगा क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा जनरल रिजर्व प्रॉफिट है ना, जैसे क्या होगा जब जनरल रिजर्व बांटा जाए, जनरल रिजर्व कौन लेगा? सभी पार्टनर्स लेंगे, तो एंट्री क्या बनेगा बता सकते हैं? हाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर होगा, नहीं ऑल पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे? ऑल पार्टनर, सभी साझेदारों के ओल्ड रेशियो में उसको बांट देंगे, और यह पार्टनर्स कैपिटल के 22 साइड में चला जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? 22 साइड में हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस भी तो ले सकता है, नहीं तो जब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाए, तो प्रॉफिट में अगर सी आर बैलेंस होगा तो क्या लिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू ऑल पार्टनर्स, हानि होगा तब उल्टा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो याद रखिएगा ना, बोलिए ना, इसी से सवाल बनेगा, याद रखना है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल का नमूना है तो सीख लेते हैं ना, क्या सीखा बना ले चुके हमें पार्टनर नमूना, लिखिए राइट द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखिए राइट द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साहेदार के पूंजी खाते का नमूना बनावे, साहेदार के पूंजी खाते का नमूना बनावे, राइट द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए देखिए कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, वही होता है जैसे पहले वो बनाते थे अमाउंट पर्टिकुलर सब देते हैं वैसे देते रहेंगे यहाँ पे, तो
अच्छा देखो बताते हैं आपको, याद रखना, याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट, डिजोल्यूशन अकाउंट, रिवेल्युएशन अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट, समझ गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्या बताया, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवेल्युएशन अकाउंट और ये सब कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। रिवेल्युएशन बनता है और रियलाइजेशन बनता है, डिजोल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन बनता है ना। और वहीं पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये सब कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पूछ लेते हैं आपको, शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल में जाता है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्ति का बनता है ना। हर पार्टनर्स कैपिटल पहले क्या लिखेगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, जो प्रीवियस उसका कैपिटल होता है ना उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, बाई साइड में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज और आएगा बाई में, तो बाई में उसके बाद आएगा बाई शेयर इन रिजर्व, शेयर इन रिजर्व, रिजर्व में हर एक पार्टनर का अपना अपना हिस्सा होगा, तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट के उसका शेयर दे देना, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, बाई शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ याद रखना सीआर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तब इधर और लॉस होगा तो उधर, ठीक है। बाय शेयर इन रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन के प्रॉफिट में हिस्सा होगा उसका लिखें, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियल क्या लिखेंगे, इफ लाइबिलिटी इज टेकन, अगर कोई लाइबिलिटी की ले लेगा कि भैया समापन का जो खर्चा है वो हम ही देंगे, कहाँ तुमसे तो बुआ रहा है, हमसे ले लेना है ना। अब समझ में आया, अगर करेंट का अकाउंट खोलना सभी करेंट में चला जाएगा, फिक्स कंडीशन में पढ़ाए थे ना, बस इसके बाद कुछ मत बना, इतना पर छोड़ देना, जो भी कुछ आएगा नाम भी देना, अनवर्टर हो गया। अब टू में क्या करेंगे, टू में कभी कभी ओवर ड्राफ्ट बैलेंस अगर रहेगा क्वेश्चन में, यानी उल्टा साइड बैलेंस में रहेगा बैलेंस, तब डालिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं डालिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब और क्या होगा हमेशा इसमें, टू शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, टू शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी यहाँ पर क्या होगा, सुनिए डी आर, यहाँ लिखे थे प्रॉफिट लॉस, यहाँ क्या शेयर, मैंने लाभ में हिस्सा होता इधर, हानि में हिस्सा होता इधर। अब तू तो वही रहेगा लेवल्टी साइड में, ब्रैकेट में रहता है ना, कहता है ना ब्रैकेट शो निगेटिव रिजल्ट, यानी हानि रहेगा मगर किस रहेगा प्लेस माइनस में रहेगा, इधर बांट दीजिएगा। फिर टू में क्या डालेंगे, टू शेयर इन रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन में किसी प्रकार की हानि हो गई हो तो इधर लिखेंगे, हाँ टू, टू में लिखेंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, इफ एसेट्स टेकन, कोई एसेट्स ले लेगा ना तो इधर लिखे, एसेट समझते हैं ना, बैलेंस बैलेंस में जाता है तो उसको रियलाइजेशन लिखेगा, तो एसेट टेकन करेगा, क्या बोलो काट दीजिए उसको, अच्छा ऐसे पूरा एक प्रशांत है पूरा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, रियलाइजेशन अकाउंट इफ एसेट्स टेकन, कोई संपत्ति लेगा ना, कहाँ लिखेंगे, टू में लिखेंगे, और घटा के जो आएगा उसको क्या करेंगे, टू बैंक करेंगे, टू बैंक पेड, यहाँ पर लिख लेंगे टोटल। अब समझ में आ गए, तो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल का नमूना होता है, जहाँ कहीं से पैसा आएगा जाएगा उसको ध्यान देंगे। और बैंक का जो लेजर बनाएंगे तो रियलाइजेशन सब बैंक बाई में, इधर का बैंक कहाँ जाएगा, टू में, ठीक है, लिख लिए मिटा दी इसको, इधर मिल ही जाएगा आपको, हो गया। चलिए अब सुना देते हैं कुछ एंट्री, आपको सुन लीजिए गौर से मेरी बात को, सुन लिए रहेगा तो याद रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और पलट गया ना, ठीक है। जैसे पूजा सुनो 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 गांव वाले, इसको हम नहीं मिटाएंगे, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है, नहीं पहले सुनिए मेरी बात। पहला, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, समापन के व्यय नगद में चुकाया जाए, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, क्लियर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द एनी पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स नेम, जैसे रहेगा वसूली के व्यय एक्स ने चुकाए, द रियलाइजेशन टू एक्स। अगर कोई एसेट्स रियलाइजेशन ट्रांसफर किया, लिखे थे ना टू में, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट ऑफ कैश या बैंक, जो भी ट्रांसफर क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू ऑल एसेट्स, ठीक है, टू साइड काम हो गया। अब बाय में
तो बाई में क्या होगा, ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, तो ऑल लाइबिलिटीज में क्या है, तो सारा कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स लोन, ये सबको छोड़ देना। तो क्या बनाएंगे, पार्टनर्स लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटीज होगा इस क्रेडिटर बीपी उसका नाम लिखिएगा, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, एसेट्स बेच के पैसा कहाँ लिखे, रियलाइजेशन के बाय में लिखेंगे, जैसे कैश रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट लिखे थे रिपोर्ट पर, तब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर आएगा बिल्डिंग इज टेकन बाय सरिता, तो आप समझ गए ना, बिल्डिंग एसेट्स सरिता ने ले लिया, बाय में जा रहा है, क्या बनाएगा, सरिता अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट दिया हो तो टू वे बैलेंस है, उधर से घटा के ना, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स नेम बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस आ जाए तो कहाँ जाएगा सर, नहीं बाय में जाएगा, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रहे जब क्वेश्चन में करेंट का बैलेंस दिया हो तो उसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो हमेशा कैपिटल में ही जाएगा। एक हम आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स का लोन दिया हो तो क्या करेंगे, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट खोलने के लिए बाई साइड में लोन डालेंगे और टू में बैंक करके लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, तो ये आपका पहला क्लास है, अब पहला क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर कल दूसरा तीसरा हम जो इसके बाद वाला बनता है उसको हम बताएंगे, कुछ जर्नल और कुछ लेजर है, तो ध्यान रहे।